नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों के सामने फिर एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। ये हमारा 2024 का सबसे सुपर मॉडल है। ये देख लीजिए, इसमें हॉलर मशीन भी लगा हुआ है और साथ में ये आटा चक्की भी लगा हुआ है और ऑयल मशीन भी लगा हुआ है। तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। सबसे नंबर एक बात देख लीजिए, ये यहाँ से PTO शॉप द्वारा ये चलता है मशीन, और ये टूल बॉक्स लगाया गया है कि इसमें सामान टूल वगैरह आराम से अपना रख सकें। और ये देख लीजिए, ये 5 इंची हैवी चेचिस पर तैयार किया गया है और ये बहुत ही फिनिशिंग द्वारा और मज़बूत मशीन बनाई गई है। और ये देख लीजिए, ये 18 इंच का शक्तिमान का आटा चक्की लगा हुआ है, जो इसका प्रोडक्शन रहता है 1 घंटे का लगभग 1.5 से 2 क्विंटल का रहता है। और ये देख लीजिए, ये छोटा हॉलर मशीन लगा हुआ है, ये 8 नंबर का शायद हॉलर मशीन है, जो कहीं कहीं पे अभी ये चलता है और से काफ़ी अच्छा काम करता है ये। और इसका जो लोग बताते हैं, जो पुराने आदमी रहते हैं जो इसको चलाए बनाए हैं, तो वो बताते हैं कि इसका जो चावल रहता है इसमें थोड़ा सा मीठापन रहता है, तो इसलिए कहीं कहीं पे ये चलता है। तो जो कस्टमर बोलते हैं तो उसके लिए हमने ये फिट किया है। ये हमारा जा रहा है, ये झारखंड जा रही है हमारी मशीन। तो लगभग 1 साल पहले ये मशीन हमारी एक गई थी, तो वो चला रहे हैं, तो दूसरा फिर ऑर्डर बोले हैं और उनकी मशीन जा रही है ऐसे ही, वो लेने नहीं आए भाई साहब। ये देख लीजिए, ये बहुत ही फिनिशिंग द्वारा मशीन बनाई गई है, वो मज़बूत। और ये देख लीजिए, ये सेफ्टी बॉक्स लगाया गया है, काफ़ी देखने में खूबसूरत और मज़बूत ठोस है। ये देख लीजिए आप, एकदम मज़बूत बनाया गया है। और ये देख लीजिए, ये हाईवे पुली लगाई जाती है और ओरिजिनल बेल्ट डाला जाता है इंदूरा कंपनी का। ये देख लीजिए, और सेम ऐसे ही इसमें भी सिस्टम दिया गया है मज़बूत और ठोस। इसमें भी सेफ्टी बॉक्स लगाया गया है कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो किसान भाई को, एकदम आराम से चला लें। और ये ऑयल स्पेलर में ये सिस्टम दिया गया है, जिसे आपको ऑयल स्पेलर का काम नहीं है तो आप स्पेलर को फ्री कर सकते हैं। जैसे आपका काम है दोनों साथ में चलाना है तो दोनों साथ में चला सकते हैं, अगर सिंगल सिंगल चलाना चाहते हैं सिंगल सिंगल भी चला सकते हैं। इसका काम रहता है जैसे 1-2 बोरी अगर धान मिल गया तो आप आराम से इसमें दर सकते हैं, कूट सकते हैं। ये छोटा हॉलर मशीन है, इसमें इसके अंदर जो वो कना और बूटा पालिश जिसको बोलते हैं सब एक ही में निकलता है, ये फ्रेश चावल यहाँ से निकलता है। ये काफ़ी टाइट है। और ये देख लीजिए, ये 616 के अगले पहिए के टेल लगाए जाते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेल लगाए गए हैं। और ये देख लीजिए, ये 32x8 इंची लंबी पटिए में ऑयल स्पेलर लगाया गया है, साहू गोल्ड का स्पेलर है। इसका प्रोडक्शन रहता है 1 घंटे का लगभग 70 से 75-80 kg तक निकासी करता है 1 घंटे में। ये लगभग 3 से 4 बार में माल ख़त्म कर देता है, एकदम क्लियर कर देता है, और इसका निचोड़ भी बहुत शानदार है। और ये देख लीजिए, ये काफ़ी जगह दी जाती है, आप आराम से इसमें खली काटा सारा सामान रख सकते हैं, आप अपना जितना दिन भर में काम किए हैं सारा आराम से रख सकते हैं। तो आप लोगों को ये सेटअप कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई हमारे YouTube चैनल पर नए नए आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग इसका पूरा लुक देख सकते हैं, थोड़ा रात का समय है तो इसलिए थोड़ा सा क्लियरिटी कम आ रहा, नहीं तो हम आपको दिन में दिखाते तो और थोड़ा सा अच्छा वीडियो आप लोगों को दिखाते। चलिए, जो हमारे यूट्यूब भाई नए नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचे और आप लोग देख सकें और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले सकें। ये देख लीजिए, ये पीछे का लुक है। और सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि हमारे यहाँ की मशीन पर आप कोई भी ट्रैक्टर से इसको चला सकते हैं। आयसर 1 सिलेंडर से लेकर अदर कोई भी ट्रैक्टर हो, सारे ट्रैक्टर से चलने में सक्षम है। और इसमें ख़ास बात और ये है कि इसमें एक ही आदमी दोनों काम कर सकता है, एक ही तरफ से आटा पीस सकता है और एक ही तरफ से सरसों वाला काम कर सकता है। ये देख लीजिए, जैसे उसमें सेफ्टी बॉक्स लगाया गया था वो जो लगाए हैं, सेम उसी तरह इसमें भी सेफ्टी बॉक्स लगाया है कि किसान भाई को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये देख लीजिए, ये यहाँ से खली गिरता है
यहाँ पे अपना डिब्बा लगा दीजिए और यहाँ से तेल गिरेगा, यहाँ से यहाँ पे नीचे डिब्बा लगा दीजिए, आपका तेल आराम से गिरेगा। ये 8 इंची लंबी पटिए में स्पेलर है, इसका निकासी लगभग 70 से 75-80 kg तक निकासी करता है ये एक घंटे में। बहुत ही हैवी स्पेलर है और ये शक्तिमान का आटा चक्की लगा हुआ है। ये 1.5 से 2 क्विंटल के बीच में गल्ला निकासी करता है एक घंटे में। और सेम ऐसे ही इसमें भी 3 बिल्ड का हैवे पुली लगाया जाता है, बहुत ही ठोस मजबूत। ये नहीं कि किसान भाई को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा सामान दिया जाता है। और सेम जैसे आटा चक्की, ये ऑयल स्पेलर में ये एडजस्ट करने वाला सिस्टम दिया गया था, सेम वैसे ही आटा चक्की में भी ये है। जैसे आपका आटा चक्की का काम नहीं तो आप आटा चक्की को भी फ्री कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ इस तरफ से थोड़ा सा लाइट कम मिल रहा है हमको, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। तो भाई साहब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भाई को अगर इसी तरह की आटा चक्की के बारे में या ऑयल स्पेलर के बारे में जानकारी करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, आप संपर्क कर लीजिएगा। और जो भाई को अगर इस मशीन को चाहिए या किसी चीज़ के बारे में संपर्क करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, आप संपर्क ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।